नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश को बेसब्री से इंतजार था। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले चरण की वोटिंग जारी है, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और लोगों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर घरों से निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। अगर बात सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत की करें तो बता दें कि शुरू से ही पश्चिम बंगाल में वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा चल रहा है। वहीं सबसे पहले चरण की हॉट सीटें मुजफ्फरनगर से बता दें कि संजीव बालियान, हरेंद्र सिंह मलिक, और पहले चरण की हॉट सीट पीलीभीत से बता दें कि पीलीभीत से जतिन। वहीं बता दें कि उत्तराखंड सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत वीरेंद्र कांग्रेस से हैं और अजय भट्ट बीजेपी से, प्रकाश जोशी कांग्रेस से उम्मीदवार नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से। वहीं अल्मोड़ा सीट से बात की जाए अल्मोड़ा सीट की, तो अजय टमटा बीजेपी से और प्रदीप टमटा कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। और साथ ही टीडी गढ़वाल की बात की जाए तो माला राज्यलक्ष्मी शाह और ज्योत सिंह गुनसोला कांग्रेस से, और गढ़वाल उत्तराखंड की बात की जाए तो अनिल बनूली बीजेपी से और कांग्रेस से गणेश गोदियाल, इनके बीच आमने सामने की टक्कर है। नितिन गडकरी बीजेपी से नागपुर महाराष्ट्र और विकास ठाकरे कांग्रेस से आमने सामने की टक्कर। और जम्मू कश्मीर सीट से उधमपुर जितेंद्र सिंह बीजेपी से और चौधरी लाल सिंह कांग्रेस से आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं बीकानेर राजस्थान की अगर बात की जाए तो अर्जुन राम मेघवाल और साथ ही टक्कर देने के लिए गोविंद राम इनके सामने खड़े हैं। वहीं चूरू की अगर बात की जाए देवेंद्र झाझरिया और साथ ही राहुल करवा आमने सामने की टक्कर के लिए खड़े हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो किरेन रिजिजू। वहीं पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश 8 सीट पर, बता दें कि पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होगा और साथ ही उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर मतदान किया जाएगा। उत्तराखंड के 5 सीटों पर मतदान पहले चरण का, बता दें कि चुनाव पहले चरण का मतदान उत्तराखंड में 5 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर पहले चरण का मतदान होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और पीएम मोदी ने लिखा कि सभी सीटों के लिए मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। और साथ ही फर्स्ट टाइम वोटर से भी पीएम मोदी ने विशेष अपील की और पीएम ने कहा कि युवा भारी संख्या में वोट डालें और लोकतंत्र में हर वोट कीमती होता है और हर आवाज का महत्व होता है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपील की और साथ ही सभी लोगों से वोट की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सभी लोगों से अपील की और साथ ही बढ़ चढ़कर मतदान करें, सभी लोगों से वोट की अपील की गई है। वहीं दिग्गजों ने भी वोट को लेकर लोगों से अपील की और सभी से वोट डालने का आह्वान किया। क्या कुछ कहा दिग्गज नेताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। आज लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान है,
मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग बढ़ चढ़ करके इस महाउत्सव में, इस चुनाव के उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और आप सब लोग चुनाव में मतदान के लिए अवश्य भाग लें। आपका हर एक वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और तुष्टीकरण के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ आपका वोट होने वाला है। मतदान भी करना चाहिए, ये वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है और कर्तव्य भी है। मतदान किसको भी करे पर मतदान करना ये लोकतंत्र के इस उत्सव में सबका कर्तव्य है और मेरी सभी मतदाताओं को खूब खूब शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। आपकी जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं 101% आश्वस्त हूं, अच्छे मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र भी है, लेकिन सबसे युवा आबादी वाला देश भी है। 18 वर्ष से ज्यादा के युवाओं से मैं इतना ही कहूंगा, आइए बड़ी तादाद में और वोट कीजिए, चुनिए एक मजबूत सरकार जो जैसे देश आगे बढ़ रहा और आगे बढ़े और हमारा देश इसी तरह से विकसित भारत भी बने। क्योंकि आप 18 साल से ज्यादा वालों को ये भी कहूंगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपके वोट का बहुत महत्व है, तो पहला वोट देश के लिए, आइए बड़ी संख्या में देश के लिए वोट कीजिए और बना दीजिए विकसित भारत को। सचिन पायलट ने कहा है कि एटमॉस्फेयर है चेंज की तरफ, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कुछ लोग दिन में भी ख्वाब देखते हैं, वो राजस्थान में भी सोचते थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आज कहां पे कांग्रेस है, ना छत्तीसगढ़ है, ना मध्य प्रदेश, ना राजस्थान, देश में लगभग सफाया कांग्रेस का हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी, कांग्रेस 40 के लिए संघर्ष करेगी। नरेंद्र भाई मोदी को पद्म चिन्ह में मैंने वोट दिया और मैं मानता हूं पूरे देशवासियों की दिशा में अपना मतदान प्रयोग करेंगे और ये कोई साधारण इलेक्शन नहीं, ये नरेंद्र भाई मोदी को थर्ड टाइम प्रधानमंत्री बनाने की इलेक्शन है। मैं आपके माध्यम से सभी जनताओं से, सभी गणतंत्रता से अपील करता हूँ 100% वोट करिए और देश का भविष्य निर्माण। लोगों का पार्टिसिपेशन आपको कैसे दिख रहा है सर इस चुनाव में? आप किसका? त्रिपुरा में लोगों का पार्टिसिपेशन तो अच्छा है, अभी तक 9 बजे तक 16% वोटिंग हो गया, तो ये वोट का स्पीड बहुत अच्छा है। नहीं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। मैंने भी अभी देखा आपने जलपान किया है आपके सामने, तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग, कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है उसको और मजबूती देनी है, सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दिलाएं। लोकतंत्र का महोत्सव शुरू है, अभी अभी मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरी माता जी ने, हमारे परिवार ने यहाँ वोटिंग किया है और मैं सभी जनता को अपील करता हूँ कि सभी लोग वोटिंग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करें। पूरी तरह महागठबंधन साफ हो चुका है, बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जो पहला रुझान दिखाई दे रहा है उसमें स्पष्ट है कि मोदी जी को मैंडेट है, मोदी जी को लोग वोट देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए दूसरे किसी का खाता बिहार में खुलना ही नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा सर, तेजस्वी वो तो विधानसभा में आप लोग को याद है ना, वो कहे थे कि जो मैं कहता हूँ वही करता हूँ, वो सब फेल हो चुका है। यहाँ लालू प्रसाद जी का परछाई भी दिखेगा, वहाँ लोकतंत्र उनसे बाहर दिखेगा। अब वो प्रधानमंत्री, और खासतौर पर अगर आप जमुई का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो जमुई में तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ वो प्रधानमंत्री जी का नाम हो, चिराग पासवान का काम हो, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की मजबूती हो, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी का सहयोग हो, ये तमाम परिस्थितियां मिलकर जमुई में एक तरफा आज की तारीख में माहौल बना हुआ है। और बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूँ कि जमुई की सीट एक बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं और यही माहौल बिहार की चारों सीटों पर है।
जिस तरीके से गठबंधन ने मजबूत होकर हम लोगों ने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया और ये एक ईमानदार एकता गठबंधन की दिखी। आप देखिएगा इंडिया अलायंस ना के बराबर उनके नेता कहीं आए, सिविक राजद के नेताओं को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई कांग्रेस का बड़ा नेता अभी तक पहले चरण का प्रचार थम गया है, वोटिंग हो गई है। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चार तस्वीरों के जरिए आपको बताते चलें कि लोगों में वोटिंग को लेकर कितना उत्साह है। पहली तस्वीर में बता दें कि उत्तर प्रदेश से है, जहां बता दें कि लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर बिहार से है और तीसरी उत्तराखंड से, चौथी तस्वीर छत्तीसगढ़ से है। और पहली तस्वीर में आपको दिखा दें कि बुजुर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग किया है। और साथ ही दूसरी तस्वीर बिहार से है, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बता दें कि इस चुनावी पर्व में हिस्सा लिया, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तीसरी तस्वीर उत्तराखंड से है, जहां पर युवाओं में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है, बढ़ चढ़कर युवा अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चौथी तस्वीर छत्तीसगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। वही मतदान कुछ और तस्वीरें मतदान की आपको दिखाते हैं। बुजुर्गों में मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, जहां एक बुजुर्ग मतदान करने के लिए पहुंचे और बुजुर्गों में मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उत्तराखंड से है, जो इनके जज्बे को सलाम किया जा रहा है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने ये लोग पहुंच रहे हैं। और साथ ही देख सकते हैं तस्वीरों में कि बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में किया है और साथ ही इनके जज्बे को सलाम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहां पर एक बुजुर्ग ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की है, जहां इनके जज्बे को सलाम किया जा रहा है। लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों से प्रदेश और देश की जनता खुश है और बीते 10 वर्षों को कई ऐतिहासिक फैसले लेकर देश को मजबूत किया गया है और इससे देश की जनता में पीएम मोदी के प्रति जोश भी है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वहीं इसलिए वो झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही लेकिन देश और प्रदेश की जनता विपक्ष के बहकावे में नहीं आएगी। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनाई है 2019 में, उसी दिन से इलेक्शन मोड में रहती है। सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, बहुत अच्छे तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और सभी लोगों को इस बात का पता है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को इस बात की समझ है, 36 बिरादरी को, कि इस चुनाव का कितना महत्व है, ये देश को कितना आगे आने वाले समय में कितना मजबूत करेगा, गरीब आदमी को अंत्योदय आखिरी छोर तक, किसानों को, खेती और मजदूरों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, हर तबके को, शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, सबको मजबूत करेगा। अब आप देखें 70 साल से बुजुर्गों के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव के बाद, चार के बाद ये दिया है कि अभी सरकार बनने के बाद 5 लाख रुपए की गारंटी, यानी कि उसकी आमदन कितनी भी हो, जिसकी उम्र 70 साल हो जाएगी उसको।
भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर आगामी 5 मई को करनाल में प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन होगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और सांसद कार्तिक शर्मा ने महासम्मेलन की तैयारी को लेकर करनाल का दौरा किया और बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों से हजारों की संख्या में लोग महासम्मेलन में शामिल होंगे। और इस दौरान करनाल पहुंचे सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रखंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में लोगों के हित के मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये देखते हैं कि जिनको उन्होंने वोट दी उन्होंने के लिए क्या काम किया और किस एजेंडा के साथ लोगों के बीच में आप जा रहे हैं और डेवलपमेंट का एजेंडा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में अपना काम किया है, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के एजेंडा के बेसिस पर ही इस चुनाव का फैसला भी होगा। ईवीएम पर मुझे इवन ईवीएम कोई विषय ही नहीं है। 2004 का चुनाव ईवीएम पे हुआ था, 2009 का चुनाव ईवीएम पे हुआ था, 2014 का और 19 का भी ईवीएम पे हुआ था। तो विपक्षी पार्टियां जब इसी ईवीएम पे चुनाव जीतती हैं तब ठीक है, जब हारती हैं तब खराब है। वीवीपैट को लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षित रख लिया गया, वीवीपैट पे भी फैसला आ चुका है कोर्ट का, ये सारी चीजें निर्धारित हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सारी तो नहीं है पर मुझे कह रहे हैं कि उनको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। फरीदाबाद के सबसे बड़े अनाज मंडी मोहना गेट पर किसानों ने अपने फसल का भुगतान न होने के चलते ताला जड़ दिया और साथ ही प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी फसल का 24 घंटे के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो मंडी का ताला नहीं खुलेगा। और इस मौके पर किसानों की समस्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा भी, उन्होंने कहा कि वे किसानों का साथ है और जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तो कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ खड़े रहेंगे और उनका साथ देंगे। सरकार की बार खिलाफ है, किसान नाराज है, रुष्ट है। क्यों? ना तो बोरी है और ना बारदाना है और ना यहाँ ट्रांसपोर्ट है, जो कि HCFG का जो गोदाम की मैडम है वो भी आई हुई है और गाड़ियों में तोल में भी गड़बड़ी है और किसान को पैसा पेमेंट हो नहीं रही है जे फार्म के मुताबिक। तो सरकार विफल है हर तरीके से। सरकार कहते 24 घंटे में गेहूं की फसल, जब से सरकार बदली है, जब से दुष्यंत जी की खट्टर जी की सरकार थी तब पहले मिलती थी, अब विफल है बिल्कुल। गेहूं के पैसा लेना है ना आ रही थी दे ना सरकार के आई अभी। अच्छा, गेहूं कब डाले थे आपने? गेहूं दे रहे हैं मैंने तीन दिन, चार अप्रैल को भरे मेरे गेहूं। तो खरीद हो गई? खरीद है अभी, पैसे नहीं आए अभी ना। ऊपर से शादी है, कैसे करेंगे बेटे की शादी आप? अब शादी कहाँ से करेंगे, कार लेके घूम तो रहे हैं तो फेरी में। अच्छा, हाँ नहीं है कहा। उम्मीद नहीं है आपको अभी? अभी कोई उम्मीद ना। अच्छा, कार्ड कहाँ शादी का? शादी का कार्ड लेके आया? ब्यूरो कार्ड। अच्छा, शादी का कार्ड भी है। देखिए, अभी हमारे जितने भी ये आढ़ती भाई हैं इन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया है। अगर 24 घंटे के अंदर या तो जे फार्म पे ये करें और या पेमेंट शुरू करें जे फार्म पे, या इस समस्या का समाधान करें, वरना जो भी अगर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से स्ट्राइक करेंगे मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलूंगा, मैं इनके साथ हूँ, हर तरीके से इनका साथ दूंगा। सरकार में रहते हुए भी सरकार की, अरे यार सरकार नाम की तो कोई चीज समझ में नजर नहीं आ रही इस टाइम पे। ये हमारे लिफ्टिंग और पेमेंट की दिक्कत है जी, ना तो हमारे यहाँ लिफ्टिंग हो रही है और ना ही किसानों की पेमेंट आ रही है। वजह है जो सरकार ने जो अपना पॉलिसी वो बना रखी है, तो वो कहते हैं कि जब माल गोदाम के अंदर पहुंच जाता है तो उसके 72 घंटे बाद हम पेमेंट रिलीज करेंगे, लेकिन सरकार पे ना तो उठाने का बंदोबस्त है और ना ही वहाँ अनलोडिंग की व्यवस्था है, जिसके कारण ना तो माल उठ रहा है और ना ही वहाँ अनलोडिंग हो रही है, ना ही उसकी वजह से पेमेंट आ रही है। ये है जी, किसान अनाज डालने के लिए आ रहे हैं, अनाज डालने के बाद पैसे मांगते हैं, गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही सरकार, इसे तो आप दबाव खत्म करने के लिए हमने ताला लगा दी। जगह नहीं है, बारदाना नहीं है हमारे पास, अभी कब तक नहीं लिफ्टिंग हो रही माल की। नाराजगी कब तक रहेगी? नाराजगी है जब तक हमारा समाधान हो जाओ, हमको हमारा कमीशन दे दो 6 महीने बाद, हमारे किसान की पेमेंट कर दो जे फार्म पे, हमारी कोई समस्या नहीं है। गवर्नमेंट जब तक माल उठा लो, ताल जब खुलेगा, जब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, गवर्नमेंट पेमेंट इशू कर देगी जमींदारों की, या हमारा माल रेगुलर फिर चालू हो जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? एक तो ये लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है, ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं, ट्रांसपोर्ट की कोई कमी नहीं है, ना बेटर दे रखे हैं और कितने दे। तो ये लिफ्टिंग क्यों नहीं हो पा रही है? लेबर नहीं है, वो तो अनलोडिंग के लिए किसी भी गोदाम। अच्छा, ट्रक भरे
सारे ट्रक भरे खड़े हैं, 45-50 हजार का ट्रकों में भरा खड़ा 3 दिन से। बड़ा साहब एक चीज और समझ में आ रही है, पर जो किसान है वो आरोप लगा रहे हैं, आड़ती आरोप लगा रहे हैं कि 5-5 रुपए पर कट्टे के हिसाब से जो है किसान से पैसे मांगे जा रहे हैं। किसान सर आड़ती से हमारा मतलब ही नहीं, हमारा तो सरकार का टेंडर है, सरकार से लेंगे जो भी लेंगे। फिर किसान आड़ती क्यों आरोप, वो लगाए कुछ भी लगा हमें बताए किसने लिया, हमने तो किसी से बोले। मैं मोहना मंडी से जवाहरलाल आड़ती, जवाहरलाल ट्रेडिंग कंपनी मेरी दो आड़त है मोहना मंडी में। अभी क्या है कि ये जो उठान नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पर गाड़ियां नहीं है, और जो ये उठान नहीं हो रहा है, बारिश हो गई तो ये सारा का सारा नुकसान आड़ती के ऊपर डालती है सरकार। और आड़ती भुगतता है, हर साल ही भुगतता है। आड़ती इतना कमीशन नहीं कमाता है, इतना अपनी जेब से दे देता है। गवर्नमेंट से निवेदन है कि ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था करे और अपनी लेबर की व्यवस्था करके इस माल को उठाने का कष्ट करे। जी एक तो माल लिफ्ट नहीं हो रहा है और सरकार ने एक गलत पॉलिसी बनाई हुई है कि भाई माल लिफ्ट होगा तब पेमेंट मिलेगी, जबकि किसान का इससे कोई लेना देना नहीं है माल लिफ्टिंग से। किसान का तो जे फार्म कटने के बाद फंक्शन खत्म हो जाता है, है जी? तो अब सरकार को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी और बदलनी चाहिए। बंद कर दिया आपने, फिर कैसे कैसे काम चलेगा? आप बंद कर दिया, विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार का, इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, पॉलिसी रॉन्ग। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां तनाव प्रबंध में महत्व को पहचानते हुए आयुध माता अमृता नंदमयी मठ की युवा शाखा के एक इंटरैक्टिव स्तर का आयोजन किया गया। और इस आयोजन का उद्देश्य है कि युवा छात्र अपने तनाव को कैसे कम करें और अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। और इस सत्र से के अध्यक्षता सुश्री विजयालक्ष्मी आनंदन ने की है। और साथ इस दौरान आयुध के प्रतिनिधि मोक्षामृत राष्ट्रीय संयोजक और हर्षामृत क्षेत्रीय समन्वयक और उमा राज्य फैसिलिटेटर और इसके साथ ध्रुव और सुश्री आस्था ने प्रदान किया। और साथ ही डॉक्टर मीनाक्षी की तरफ से छात्रों के झेले जाने वाले तनाव के कारणों और परिणामों के बारे में भी जानकारी दी गई, जिससे प्रतिभागियों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवत गीता में एक जगह बोलते हैं उद्धरे आत्मना आत्मना, किसको बोल रहे हैं भगवान कृष्ण गीता में? अर्जुन भूज है आर्चर, नंबर वन आर्चर हीरो, बट उस समय पे युद्ध करते करते क्या हो गया, जिसकी आज बात चल रही थी, क्या हो गया उसको? स्ट्रेस, और उससे स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा है। इतना बड़ा आर्चर जिसने सबकी धज्जियां उड़ा दी थी, उसका गांडी, उसकी वो जो वो है वो नीचे गिर गई। बता दें कि फरीदाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया और साथ ही डॉक्टर मीनाक्षी ने युवाओं को जानकारी दी और साथ ही युवाओं को तनाव से बचने के लिए भी टिप्स दिए गए। फरीदाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर मीनाक्षी ने युवाओं को जानकारी देते हुए तनाव से बचने के लिए युवाओं को कई तरह के टिप्स दिए। और बता दें कि इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया। तस्वीरें फरीदाबाद से हैं, जहां पर काफी संख्या में लोगों ने यहां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और युवाओं को तनाव से बचने के लिए टिप्स भी दिए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।